नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बीए द्वितीय वर्ष के स्नेही छात्राओं का मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज हम एक नवीन विषय पर आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित छंद परिज्ञानम के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन साहित्य के मनुष्यों में परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन मंगलाचरण की जो परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ करना चाहता हूँ। या कुंदे तो सारे हारे भलाया सो प्रेवस्थावृता या वीणा वरे दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासन या ब्रह्माचयोत शंकर प्रवर्ति देवै शनवंदिता क्षमां पातु भगवती सरस्वती निशेष जाट्यवा। तो देखिए, आज का आपका टॉपिक होगा बड़ा ही रोचक, छंद परिज्ञानम। छंद परिज्ञानम, लेकिन ध्यान रहे, अब की बार जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित छंद है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक अभिज्ञान सागर पर। तो सरल रहे, अब की बार जो छंद आएंगे वो आपकी जो एक महाकवि कालिदास के द्वारा विचित एक अद्भुत नाटक है अभिज्ञान सागरम, उस पर आधारित है छंद। तो छंद परिज्ञान, छंद का ज्ञान जानने से पूर्व छंद के बारे में हमें सामान्य जानकारी भी होना परम आवश्यक है। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता है उनमें बड़े सम्मान और आदर के साथ किसी का नाम लिया जाता है, तो वो है आचार्य पिंगल। तो सरल रहे, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हुए? आचार्य पिंगल। अब ये भी प्रश्न उठता है कि साहित्य जगत को छंद प्रदान करने वाले इस अरुण प्रतिभा के अधीन आचार्य पिंगल का जो समय है वो क्या रहा होगा? तो समय इनका 300 ईसा पूर्व है। रचना इनकी जो है, कृति जो है वो छंदस सूत्र है, जिसमें 8 अध्याय है और 329 सूत्रों का प्रयोग इसमें हुआ है, छंद किसमें? छंदस सूत्र में। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है ये। वह अब देखें साहब, आप छंद पढ़ रहे हैं तो छंद आप कहते किसे, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो एक कात्यायन जो हुए हैं, वार्तिककार कात्यायन, उन्होंने ये परिभाषा दी है, यद यद अक्षर परिमाणम का छंद है, यद अक्षर परिमाणम तक छंद है, यानी जहां पर अक्षरों की गणना की जाए, यद अक्षर परिमाणम तक छंद है, जहां पर अक्षरों की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? छंद के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ कि छंद किसे कहेंगे? कि जहां पर अक्षरों की गणना की जाती है उसे छंद कहेंगे। और ये परिभाषा किसकी है? जो वार्तिककार ने कात्यायन, उन्होंने ये कहा है। अब देखें साहब, छंद की उत्पत्ति देखें, व्युत्पत्ति देखें, छंदांसी छादना, छंद की व्युत्पत्ति है कि छंदांसी छादना। छंद शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो आहारादन, अरे इसमें जो छंदस धातु प्रयुक्त हुई है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो आहारादन और एक आच्छादन। आहारादन का मतलब जिस रचना को पढ़ करके हमारा मन प्रसन्नचित हो जाए, आनंदित हो जाए, उसे बोलते हैं आहारादन। और आच्छादन में होता है ढकना। अब देखिएगा, छदी आच्छादन में धातु से छादन अर्थ में प्रयुक्त होने वाली छदी आच्छादन धातु से, जिसका अर्थ होता है आच्छादन, आच्छंदता को प्रदान करना। छंद पादक वेदस्य, वेद वेद में, वेदों में छंद, वेदों में छंद को क्या माना गया है? चरण माना गया है।
छंद पारम तो वेदस्य, अर्थात वेद पुरुष का चरण माना गया है क्या? छंद। जिस प्रकार से एक मानव अपने पैरों के माध्यम से क्या करता है, गति करता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से साहित्य की गति अगर किसी से संभव है तो वो है छंद। अब इसके देख लीजिए छंदों के प्राचीन नाम भी देख लीजिए कि छंदों के क्या क्या नाम है और किस किस नाम से छंदो विचिति भी इसका अर्थ है। छंदो अनुशासन भी इसको कहते हैं, छंदो मान भी इसको बोलते हैं, ये इसके अन्य नाम है, छंदो विचिति, छंदो अनुशासन, छंदो मान। यानी छदि आचार्य धातु से भेद प्रत्यय करने पर छंद बनता है और छंद की परिभाषा कात्यायन के अनुसार आपको आ गई होगी कि यद अक्षर परिमाणम तद छंद है, जहां पर अक्षरों की गणना की जाती है उसे क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। अब प्रश्न ये भी उठता है क्या कि छंद साहित्य में कितने प्रकार के होते हैं? छंद साहित्य में दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। यानी आपके पाठ्यक्रम में आपको दोनों ही प्रकार के छंद पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन से, छंद मात्रिक और छंद वर्णिक। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद किसे कहते हैं, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो मात्रिक छंद यानी जिन छंदों के चरण मात्राओं की संख्या पर निर्भर होते हैं उन्हें मात्रिक छंद, अर्थात दूसरे शब्दों में जिस श्लोक में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद और जहां पर वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए सर, यानी कि साहित्य की गति छंदों के माध्यम से है क्योंकि छंद वेद के पैरों से निष्पन्न हुए माना गया है। पैरों का कार्य चलने वाला होता है, साहित्य रचना में गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं। साहित्य रचना में गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं, गद्य का अर्थ है कहने वाला और पद्य का अर्थ है चलने वाला। अतः छंदोबद्ध रचना क्या कहलाती है, पद्य। यानी जो गद्य पद, गद्य मतलब कहने योग्य और पद्य अर्थात चलने योग्य। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ क्या कि छंदोबद्ध जो रचना होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पद्य कहलाएगी। यानी जिस रचना में छंदों का प्रयोग हुआ है, परिपाठ हुआ है, वो रचना आपकी क्या कहलाएगी, पद्य कहलाएगी। ये हुआ इस प्रश्न का। आप देखिए सर, आपकी जो छंद है इस बार कार्यक्रम में सम्मिलित वो आपकी एक पुस्तक है, नाटक है महाकवि कालिदास का, उस पर आधारित है, पूर्णतः उस पर आधारित है। यानी आपको जो उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं छंदों के, वो किसके देने हैं, केवल और केवल अभिज्ञान शाकुंतलम के देने हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंद के बारे में आपको स्पष्ट कर दिया कि जहाँ वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद और जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता भी आपको ज्ञात हो गए, छंद शास्त्र के जो प्रणेता है वो आचार्य पिंगल है, पिंगल का समय ज्ञात हो गया, पिंगल की रचनाएं ज्ञात हो गई और छंद कैसे बने ये भी ज्ञात हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे छंद मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से है, मात्रिक छंद अपने पाठ्यक्रम में केवल एक है जिसका नाम होता है आर्या, वो पढ़ेंगे। बाकी के हम बसंत तिलका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, रुद्रलिंगित, मालिनी, सारूर्विकृतम, शिखरणी, ये सारे छंद आप पढ़ेंगे वर्णिक छंदों में। यानी वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, वो तो हम आपको कल की वीडियो जब बताएंगे उसमें बताएंगे कि वर्णिक छंद के भी तीन भेद होते हैं, एक समवर्णिक, एक असमवर्णिक और एक विषमवर्णिक। यानी समवर्णिक जिसके चारों चरणों की मात्राएं समान होती हो उसे समवर्णिक कहेंगे, जिसके पहले और तीसरे दूसरे और चौथे चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उसे अर्धसमवर्णिक छंद कहेंगे। विषमवर्णिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहां चारों चरणों में वर्णों की मात्रा पृथक पृथक होती है उसे विषमवर्णिक कहेंगे। और आपको जो छंद नायक सूत्र है मात्रा गति यति उसके बारे में हम आपको कल जानकारी प्रदान करेंगे। वी कंटिन्यू क्लास, बेहतर है आप वीडियो को महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपको ये जानकारी उपलब्ध है।
और ये सारी जानकारियां मेरे कुमार संतोष शर्मा जो चैनल है उस पर भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो के माध्यम से आप अपने अंदर को समय रूप से जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे विदा लेता हूँ।